जय दोस्तों, वेलकम टू फिनविजन। आई एम कर्नल संदीप मेलवार एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दैट इज हाउ टू डिप्लॉय योर रिटायरमेंट कॉर्पस। रिटायरमेंट एक बहुत ही सुखद पल होता है जहां पे हम अपनी रेगुलर वर्किंग लाइफ से रिटायरमेंट लाइफ की तरफ प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। जब हम रिटायर होते हैं तो हमें मिलता है हमारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, हमारा PF, हमारी बाकी सेविंग्स, हमारा ग्रेचुटी हमें इकट्ठा मिलता है और बहुत ही खुशी का पल होता है। लेकिन साथ के साथ एक चिंता भी होती है कि हम इस जमा हुई पूंजी से अपनी आगे की जिंदगी कैसे व्यतीत कर पाएंगे, कैसे जो हमारी इनकम में कमी हुई है उसको भरपाई कर पाएंगे और इसको कैसे डिप्लॉय करें कि हमें एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलते रहे। अभी इसी का सॉल्यूशन हम आपको देते हैं थ्रू फिनविजन 2 बकेट स्ट्रेटजी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जो फिनविजन 2 बकेट स्ट्रेटजी है, इसमें हम आपको प्रपोज करते हैं कि आप अपनी जमा पूंजी को 2 भागों में बांटिए, एक भाग में 40%, एक भाग में 60%। जो आपको 40% है वो आपका जाना चाहिए रेगुलर इनकम और कंटिजेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए, और जो आपका 60% है वो हम प्रपोज करेंगे कि आप उसको डिप्लॉय करिए एग्रेसिव एसेट्स में। कहाँ करना है? जो आपका रेगुलर इनकम और कंटिजेंसी रिक्वायरमेंट बकेट है, मान लीजिए उसको हम बोलते हैं ग्रीन बकेट, इसको आप डिप्लॉय करिए एक्सट्रीमली सेफ लीस्ट वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें आता है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग्स की RBI बॉन्ड्स आ सकते हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स आ सकते हैं, अच्छे डेट फंड्स और डेट इक्विवेलेंट फंड्स आते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में जो कि बहुत ही सेफ और स्टडी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें आप मान लीजिए केवल 6% रिटर्न ही जनरेट कर पाते हैं। उस 6% रिटर्न के द्वारा भी आप अपना जो 40,000 से 50,000 रुपए मंथली की रिक्वायरमेंट है उसको आप अगले 10 साल के लिए भरपाई कर पाएंगे। जो आपके 40,000 से 50,000 रुपए की रेगुलर इनकम के लिए आप एक विड्रॉल प्लान लगा सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में हैं तो आप उसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू भी विड्रॉ कर सकते हैं। जब आपके पास एक सुनिश्चित होगा कि मेरा 10 साल का रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो आप जो है अपना जो दूसरा ग्रोथ बकेट है उसको हम बोलते हैं येलो बकेट, उसको आप एग्रेसिव एसेट्स लाइक इक्विटी में डालेंगे। तो हालांकि इक्विटी के पिछले हिस्टोरिकल रिटर्न पिछले 40 से 50 साल के तो रहे हैं 15 से 20% एनुअलाइज, मान लीजिए आप केवल 12% ही रिटर्न जनरेट पाए, उस 12% में ही आपका जो 60 लाख रुपए 60% ऑफ 1 करोड़ आपने लगाया है वो बढ़कर हो जाएगा अगले 10 साल में 1.86 करोड़। 10 साल के बाद में आप पाएंगे, क्योंकि आपने रेगुलरली विड्रॉ किया आपने ग्रीन बकेट से, रेगुलर इनकम बकेट से 40,000 से 50,000 रुपए, तो वो तो खाली हो गई। अभी आपकी जो इसी दौरान में जो आपकी ग्रोथ बकेट है उसमें आपकी पूंजी हो जाएगी 1.86 करोड़ रुपीज ओनली एट द रिटर्न्स ऑफ 12% एवरी ईयर। जब 10 साल हुए तो आप क्या करिए, आप उसमें से येलो बकेट और जो ग्रोथ बकेट है उसमें से आप जो है 80,000 से 85,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए अपनी रेगुलर इनकम बकेट में, और अपने अगले 10 साल की 80,000 से 90,000 की इनकम को सुनिश्चित कर लीजिए। जब आप अगले 10 साल में जाएं पाएंगे कि जब तक आपकी ये जो है रेगुलर इनकम बकेट से भरपाई हो रही है, तब तक वो 10 साल में वो 1 करोड़ जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था वो बढ़कर हो जाएगा 3 करोड़ रुपए, और उससे अगले 10 साल में आप ये साइकिल को रिपीट करते रहिए। इस स्ट्रेटजी के आप द्वारा आप पाएंगे कि आपकी रेगुलर इनकम की भी जरूरतें पूरी हो रही हैं और आपकी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी आ रहे हैं। ध्यान रहे, इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के वक्त हम चाहेंगे कि आप जहां तक पॉसिबल हो फाइनेंशियल एसेट्स में ही जाइए, फिजिकल एसेट्स से बचकर रहिए। क्यों? क्योंकि फिजिकल एसेट्स की अपनी खसूसियतें होती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट आपको एक बहुत बड़ी मोटी पूंजी की जरूरत होती है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा उसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, तीसरा आपको टेनेंट मैनेजमेंट और बिल्डिंग मेंटेनेंस की भी जरूरतें पड़ती हैं। हो सकता है जिंदगी के उस पल में आप उन पर खड़ा ना उतर पाओ, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप कंट्रोलेबल फाइनेंशियल एसेट्स में ही रखिए और आप अपने रिटायरमेंट जो कॉर्पस मिला है उसको आप इस्तेमाल करते रहिए थ्रू रेगुलर इनकम और उसको बढ़ाते रहिए थ्रू एग्रेसिव एसेट्स लाइक इक्विटी। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस को रेगुलरली पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लिंक्डइन पर फॉलो कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। जय हिंद।